भाभी नहीं सकते। ये फूल है टेडी बेयर की तरह फूल और मैं ऐसे 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 हो रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या स्पेशल है आज? कुछ स्पेशल नहीं है, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है, मेरा बर्थडे है आज। सो बर्थडे मैं इडली के केक से बना रहा हूँ, देखो वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो मैं इसको केक क्यों बोलूंगा, क्योंकि केक की तरह ही है और फुला फुला रहता है। आज मैडम थोड़ा सा बिजी है सुबह से, क्या क्या बना रही है शायद आई थिंक देखने को मिलेगा आपको, इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेरी गुड, अच्छा है, फ्लफी हो गया, फ्लफी इडली, वेरी नाइस। लोग खाते हैं क्या बोलते हैं सांबर चटनी के साथ, मैं खा रहा हूँ मेयोनीज के साथ, बट बुरा नहीं है, अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करके देखिए मेयोनीज, नाइस। सो गाइस, तो ब्लॉग का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा और आज का ब्लॉग भी इन्होंने ही स्टार्ट किया है। तो आज इनका बर्थडे है, तो बर्थडे स्पेशल में आज बना गया है फ्राइड राइस पीस के साथ, यहाँ पे है मिक्स्ड वेजिटेबल और ये है आलू का दम। ये थोड़ा सा हम लोगों ने जो ना ग्रेवी नहीं किया है, ज्यादा ग्रेवी नहीं रखा इसमें, क्योंकि रात को भी इसके साथ कुछ और बनेगा तो इसलिए। और यहाँ पे है दो मिठाई, रात को भी बहुत कुछ हैवी सा हो जाएगा तो इसलिए हम लोगों ने अभी का लंच बहुत सिंपल रखा है। तो चलिए हस्बैंड जी को देते हैं उनका लंच। ये मिक्स वेजिटेबल है ना, उनका फेवरेट है, तो बर्थडे के दिन कुछ फेवरेट तो बनना ही चाहिए, तो ये उनका फेवरेट है, ये भी उनका फेवरेट है, यहाँ पे जो भी है उनका ही फेवरेट है। तो चलो चलते हैं और उनको देते हैं उनका लंच। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, शुरू करो। स्पेशल है यार, ये आपका फेवरेट है। गुड, अच्छा है, गुड, शुरू करो। ये है क्या है बता दिया मैंने, सबको पता है। अच्छा ठीक है, गुड, अच्छा है, टेस्ट करते हैं। थैंक यू। मिस्टीटा लास्टे खाबे, ठीक है, मिस्टीटा लास्टे खाबे। जो मिक्स वेजिटेबल मैंने आपको दिखाया ना, तो जब उनको पता चले कि मिक्स वेजिटेबल बन रहा है, तो उनको तो इनका कहना है कि खिचड़ी होने से और भी अच्छा था ना। तो बाहर क्योंकि धूप बारिश ऐसा मौसम है यहाँ पे आज का, तो मैं बोलूँ ठीक है, रात को जो हम करने वाले हैं जिसके लिए ये आलू दम जैसे बनाया है, तो हम लोग वो चीज नहीं बना के ना खिचड़ी बनाते हैं। तो बोला बर्थडे के दिन कौन खिचड़ी खाता है, आप ही ने तो बोला मिक्स वेजिटेबल है तो खिचड़ी तो बनता है। बर्थडे के लिए कुछ और डिफरेंट है यार, नहीं आज खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे बर्थडे के लिए, हम लोग हटके करते हैं। नो, मिक्स वेजिटेबल के साथ खिचड़ी और गरम गरम बैंगन का भरता, नहीं बैंगन का भरता नहीं, बैंगन भाजी, ठीक है, देखा जाएगा। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, अच्छा खाना, अच्छा खा रहा हूँ, भूख लग रहा है बहुत, ठीक है, जैसे बैठा था खाने के लिए, अभी तुम लोग भी खा लो। तो हम लोग अभी खा लेते हैं और ठीक है चलो, और कुछ नहीं, हम लोग भी खा लेते हैं, पहले मैं शिवांग को दे दूँ उसके बाद मैं भी खा लूंगी एंड देन हम लोग शाम को मिलते हैं। ओ मैडम क्या बन रहा है, बहुत तैयारी चल रही है आप लोग की, ठीक है से तुम्हें काज करछो जानी बर्थडे हमार, तो की बनाछो? तो अभी बन रहा है खीर, केक अभी तक मैंने बनाया नहीं है, वो बाद में बनाएंगे। एक्चुअली केक बनाने के लिए मुझे शिवांग को बुलाना पड़ेगा, शिवांग कब से बोल रहा था कि मामा केक मैं और आप मिलके बनाएंगे, तो केक के लिए शिवांग को आना पड़ेगा। तो अभी मैं बना रही हूँ खीर। अच्छा खीर में क्या दिया, काजू किशमिश और कुछ नहीं, प्लेन खीर, कुछ काजू किशमिश, काजू किशमिश भी दो यार, नहीं कुछ नहीं, प्लेन। और क्या बोलते हैं वो जो बस मिल्क में डाला है, कुछ नहीं डाला, वो ठीक है। अच्छा क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्मेल आता है ना, परफ्यूम डाल दो इसमें, नहीं नहीं परफ्यूम नहीं, सब कुछ डालेगा लाइक, हाँ इलायची, इलायची एक इलायची डाल दो उसमें, खीर
खीर अच्छा, को पकने के लिए बहुत टाइम है, जब ये हो जाएगा मैं डाल दूंगी। ओके गुड, देखिए आप लोग बन रहा है, खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। सो लेट्स सी, खीर और केक पेंडिंग है, सो कुछ देर के बाद मिलते हैं आप लोग के साथ फिर। सो गाइस यहाँ पे केक बनके रेडी हो गया है और ये केक ना शिवांग के मनपसंद का है, लाइक दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम शिवांग। शिवांग बेक नहीं कर सकता है बट उसने मुझे गाइड किया, मामा ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। तो आज का जो ब्लॉग है ना, हैप्पी बर्थडे वाला ब्लॉग, इसमें मैंने आपसे कोई भी रेसिपी लंच में या फिर केक खीर ये सब तो पहले से पता है, लंच मैं चाहती थी कि मैं केक कैसे बेक करूं वो दिखाऊं बिकॉज ऑफ शिवांग, क्योंकि शिवांग ने मुझे गाइड किया। शिवांग इतना शो, क्योंकि शिवांग ने सारा कुछ बोला कि मम्मा ओरियो केक बनाओ ऐसे करो वैसे करो, वो सुबह से देख रहा था कि कैसे करना है क्या करना है ना शिवांग। सो दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम यू। कहाँ से देखा आपने? यूट्यूब में। तो शिवांग सुबह से यूट्यूब में सर्च करे कि कैसे बनाया जाए कैसे बनाए, बहुत सारा उसने देख लिया। सो फाइनली उसने कर दिया है, बेकिंग उसने नहीं, मैंने इसकी हेल्प की, मुझे गाइड किया है। ठीक है चलो करते हैं, क्या करना है चलो पापा के पापा साथ ये बोलो। चलो साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday. प्लीज इंजॉय बर्थडे पार्टी, अच्छा रहा, गुड, सब कुछ घर में। एक्चुअली फर्स्ट टाइम, हाँ, नहीं तो हमेशा केक बाहर से आता है, नहीं तो स्वीट मिठाई भी सब बाहर से, सब बाहर से आता था, सब बाहर से नहीं और बाहर जाया जाता था या हाँ, तो लंच के लिए या तो डिनर के लिए, बस घर पे आके केक कटिंग होता था, दैट्स इट। तो बाहर निकलना होता था। इस बार ही मतलब इस साल ऐसा है कि हम सबका बर्थडे या फिर जो भी सामने जो भी ओकेजन आएगा सारा कुछ हम घर पे ही करेंगे। तो जिस तरह से घर पे केक बनाना, खाना बनाना, जो भी सब कुछ घर पे, अदरवाइज हम लोग ज्यादा से ज्यादा बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी मतलब हम लोग बाहर चले जाते थे। डिनर में सोचा था कुछ स्पेशल करने का, जैसे मैंने बताया था, तो मतलब ना सुबह से इतना ज्यादा टायर्ड हो रही हूँ ना, मेरे चेहरे से दिख रहा है, और मतलब हिम्मत नहीं हो रहा है कि करूं। तो मतलब जो सोचा था वो सारा कुछ मतलब हाफ ऑफ द डन ऐसा है, हाफ प्रिपरेशन हुआ है हाफ प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तो मतलब अभी मतलब सब कुछ ना बॉडी में बोल दिया नहीं और खड़े होकर नहीं होता, हो गया बस अभी यही पैन करो। इसलिए कैसा था आज का केक? अच्छा लंच अच्छा था, पूरा पेट भर गया अभी एक्चुअली। वही ज्यादा मेन है कि और कुछ खाना खा अभी ना, कुछ और दूसरा कुछ खाने का मन ही नहीं, ऐसा लगता जाके सो जाए बस, बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो बाहर जाने से थोड़ा सा रिलैक्स होना होता है, बट घर में रह रहे कि कॉम्पैक्ट ज्यादा खा भी नहीं सकते। ये फुल है टेडी बेयर की तरह फुल, और मैं ऐसे 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 हो रही हूँ, बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं दुबली हो गई हूँ। ठीक है एक बार खुलने दो, देख उसके बाद देखो क्या एकदम पैक सिक्स पैक बना दूंगा एकदम। मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ हमेशा, मेरे को बाहर का दुनिया थोड़ा ज्यादा पसंद है, मीन्स बंगाल में बोलते हैं ना गुरु गुरु, मेरे को घूमने की आदत बहुत ज्यादा है। घूमने की आदत नहीं एक्चुअली ना, हम लोग क्या करते थे ना लॉकडाउन से पहले, मतलब जब सब कुछ ठीक हुआ करता था, एवरी सैटरडे वी यूज टू गो आउट। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सैटरडे संडे दोनों समय हम लोग बाहर निकल जाते थे, एक सैटरडे इवनिंग को शिवांग का डांस क्लास होता था, या तो इसके डांस क्लास खत्म होने के बाद वहीं से हम लोग बाहर निकल जाते थे। सैटरडे को लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते थे, संडे को आसपास ही कहीं जाते थे, ऐसा था। आते आते क्या 11 से ऊपर बजे सैटरडे को ऐसा होता था, सैटरडे को ऐसा होता था, संडे को इतना लेट नहीं, मंडे को तो फिर तीनों लोगों को जाना लगता था, तो वो ऐसा था क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम तीनों बिजी थे, स्कूल ऑफिस जॉब सब कुछ बिजी था, सैटरडे संडे को संडे में चला था। कभी फिर सैटरडे को ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते थे, लेट नाइट मूवीज देखने जाते थे, ऐसा नहीं 10 बजे का शो मतलब सॉरी है ना 10:30 का बुकिंग करके नाइट शो करके रात को 1 बजे आते थे, ऐसा हमारा रूटीन चल रहा था। अच्छा था, इट वाज गुड यार, आई लाइक तो मतलब घर पे रहना किसको कहते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे बस रात को हम लोग सब लोग आते थे डिनर टेबल, खाना वगैरह खा के फिर नेक्स्ट दिन फिर जाओ, और सैटरडे संडे को हमारा आउटिंग रहता था। तो मतलब
घर पे रहना किसको कहते हैं, कैसा होता है घर का लाइफ, हमें इतना नहीं मालूम था कब आएंगे वो दिन। हम लोग घर में रहने लायक आदमी है ही नहीं, मतलब कहते हैं ना निशाचर, निशाचर प्राणी जिसे कहते हैं, तो हम लोग उस टाइप के इंसान है। अगर कुछ खत्म हो जाए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ चलने में क्या क्या है देखने लायक, डेफिनेटली इस ब्लॉग के थ्रू मैं बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। तो डेफिनेटली उसमें से इस कौन जहाँ पे हम लोग हमेशा जाते थे, मतलब मोस्टली तो सैटरडे को हम लोग जाते थे और हमें जाना भी बहुत पसंद था, पसंद है इनफैक्ट। और हमेशा आरती मिस नहीं करते थे, आरती 6:30 स्टार्ट होता था, हम लोग वी मेक श्योर दैट 6:30 पहुंच जाते थे, 6:30 टू 1 आवर, मतलब 1 आवर 8 बजे को हार्डली बहुत कम हम लोग जा पाते थे क्योंकि शिवांग का क्लास ही खत्म होता था 6 बजे, तो हम लोग मोस्टली 7:30 पहुंच जाते थे, 7:30 के बीच में, तो तब तक खुला रहता था, तो मतलब आरती का एकदम लास्ट पार्ट तक चल रहा होता था तो मिल जाता था। इस्कॉन का क्या जो भजन होता है ना महामंत्र, वेरी गुड एक्चुअली, आप जाओगे तो अच्छा लगेगा, फील पीस, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड प्लीज अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन जिससे आप लोगों को मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।